नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट के ऊपर। जुपिटर ट्रांजिट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने पाया कि वो वीडियोस जो हैं वो बेसिकली मून साइन के ऊपर, मून जोडियक साइन जो है आपके जो राशि है उसके ऊपर बनाया गया, जो कि थोड़ा सा जेनरिक हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 12 राशियां हैं और केवल 12 तरह का प्रेडिक्शन। ये थोड़ा मेरे को लगा कि ये उतना डिटेल नहीं है, दो कोई कह नहीं सकता क्योंकि हर चार्ट यूनिक है, तो एक वीडियो में सारे लोगों का बनाना भी ये मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी आज कोशिश कर रहा हूँ कि भृगु नाड़ी की पद्धति यूज़ करके कि जुपिटर ट्रांजिट का आपके चार्ट में क्या मतलब, तो आपको अपना चार्ट जो है वो थोड़ा ओपन करना होगा और उसके बाद जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसके थ्रू आपको अपना चार्ट आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो जुपिटर ट्रांजिट है एक साल का, ये आपके लिए कैसा रिजल्ट देने वाला है। अगेन, ये केवल मैं जुपिटर ट्रांजिट के बारे में बता रहा हूँ, शनि राहु केतु ये सब भी असर करते हैं। तो फिर भी जुपिटर चूँकि मेन प्लानेट है, उसे जीवात्मा कहते हैं, लाइफ फोर्स जो है हमारा, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं जुपिटर ट्रांजिट का। तो जुपिटर ट्रांजिट करने के कुछ रूल्स हैं, तो वो आप अपना हॉरोस्कोप ओपन कीजिए और जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ उसके अनुसार आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो जुपिटर ट्रांजिट एनालिसिस करने के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अपने चार्ट का एनालिसिस खुद कर सकें कि एक साल में आपका जुपिटर ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई भी प्लैनेट आपके स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस या कैंसर में है, तो जुपिटर जब स्कॉर्पियो में ट्रांजिट होगा तो उसका रिजल्ट देगा। तो सपोज अगर जुपिटर अब ट्रांजिट होकर के अभी इसमें आ रहा है, स्कॉर्पियो में है, तो कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो जुपिटर चूंकि इसको एस्पेक्ट कर रहा है तो उसका रिजल्ट जो है जुपिटर के ट्रांजिट उसके ऊपर ट्रांजिट होने के बराबर ही रिजल्ट है। लेकिन फिर भी जो प्लैनेट जुपिटर के इससे स्कॉर्पियो में है उसका रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर इसका रिजल्ट 100% है तो ये रिजल्ट जो है लगभग 90% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ये भी ऑलमोस्ट एक दूसरे को देख रहा है, तो आप 95% टू 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट उसके अनुसार देगा। तो अगर यहाँ पे वेनस है तो जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर वेनस का ही रिजल्ट, या फिर अगर वेनस यहाँ पर है तो इट इज़ द सेम थिंग, या यहाँ पर है तो इट इज़ द सेम थिंग, या यहाँ पर है तो इट इज़ द सेम थिंग, तो उसके अनुसार ये रिजल्ट देगा। एज पर रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई प्लैनेट स्कॉर्पियो को एस्पेक्ट कर रहा है, इस साइन को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो जो है आपका जो रिजल्ट है उसको इम्पैक्ट करेगा। सपोज जुपिटर ट्रांजिट होकर के अभी यहाँ पर है और सैटर्न आपका यहाँ पे है, तो इसका थर्ड दृष्टि है, दो जुपिटर इसके ऊपर से ट्रांजिट नहीं कर रहा है लेकिन सैटर्न की दृष्टि इस हाउस पे पड़ रही है, तो जुपिटर जो है सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट होने जैसा रिजल्ट देगा। नॉट 100%, लिटिल लेस, लेकिन ये इसका भी इम्पैक्ट करेगा। सपोज मार्स यहाँ पे, तो मार्स का 1, 2, 3, 4 उसका रिजल्ट भी जो है जुपिटर को मार्स के ऊपर ट्रांजिट होने जैसा रिजल्ट देगा, इवन तो ये रिजल्ट नहीं है। या फिर सपोज अगर सैटर्न यहाँ ना होकर के सैटर्न यहाँ पर है तो 7, 8, 9, 10th हाउस पे ये रिजल्ट, तो यहाँ पे 10th जो दृष्टि है यहाँ पे पड़ रही है, तो जुपिटर पे इस हाउस पे चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो सैटर्न का रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। रूल नंबर 3 कहता है कि आपका जो हॉरोस्कोप है उसमें से जुपिटर जहाँ नेटल चार्ट में प्रेजेंट है वहां से आप काउंट कीजिए स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस एंड कैंसर। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कैंसर एसेंडेंट है और जुपिटर आपके नेटल चार्ट में यहाँ पे प्लेस है, सपोज ये आपका नेटल चार्ट है, ठीक है, ये आपके नेटल चार्ट है, तो अगर इस चार्ट में जुपिटर यहाँ पे प्लेस्ड है
तो यहां से स्कॉर्पियो जो है पाइसेस, टॉरस और कैंसर, ये आपको काउंट करने हैं कि कितने हाउस हैं। तो ये हो गए आपके सेकंड हाउस, ये हो गए आपके सिक्स्थ हाउस, और ये हो गए आपके एट्थ हाउस, और ये हो गए आपके 10th हाउस। तो जुपिटर का ये ट्रांजिट जो है आपको सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट और 10th हाउस के भी रिजल्ट देंगे इस साल में। इसके अलावा जुपिटर जिस भी प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है या फिर जिस भी प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, उस हाउस, क्योंकि हर प्लैनेट किसी ना किसी का लॉर्ड है, तो उसको भी एक्टिवेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कुंडली में जुपिटर जो है वेनस यहाँ पर है, सपोज वेनस यहाँ पे है, तो डेफिनेटली जुपिटर वेनस के ऊपर ट्रांजिट का तो रिजल्ट देगा। एट द सेम टाइम वेनस जो लॉर्ड है 8th हाउस का लॉर्ड है, और वेनस जो है ये 1st हाउस का लॉर्ड है, मतलब जुपिटर से काउंट कर रहा हूं मैं, तो जुपिटर खुद से 1st हाउस का है तो इसका रिजल्ट देगा, और ये 8वें करके 1st हाउस और 8th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, उससे रिलेटेड रिजल्ट भी देने की कोशिश करेगा। उसी तरह अगर जुपिटर किसी और प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है, अगर सैटर्न को कर रहा है, तो सैटर्न चौथे घर को जुपिटर से बता रहा है, पांचवें घर को बता रहा है, तो चौथे और पांचवें दोनों घर के रिजल्ट को देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो कौन से हाउस, मतलब ये है नंबर ऑफ हाउस जुपिटर से, और एट द सेम टाइम जिस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है वो कौन से हाउस नंबर को रूल कर रहे हैं, उसको ये रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। रूल नंबर 4 कहता है कि रिजल्ट जो है आपका थोड़ा वेरी कर सकता है कि आप किस एज ग्रुप में अभी फॉल कर रहे हैं। अगर आपका एज 0 से 12 है तो आपका जो है फर्स्ट सेल्फ, सेल्फ से रिलेटेड जो है वो वाला पार्ट जो है अभी आपका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, मतलब आपका हेल्थ मैटर ज्यादा करेगा, और जो इवेंट्स होने वाले हैं वो उस चीज से रिलेटेड आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे, तो आप अपना हेल्थ का केयर ज्यादा कीजिए। अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो आपका फैमिली से रिलेटेड जो है वो ज्यादा रिलेटेड इवेंट्स होंगे, मनी कंसर्न रहेगा, ये सब, फूड कंसर्न रहेगा, क्योंकि ये सेकेंड हाउस वाले पार्ट को बताता है। थर्ड जो है ये आपका करेज और करियर से रिलेटेड जो है, इसके ग्रोथ को, करेज कैसे आप अटेम्प्ट करते हैं अपने करियर के चीज को, पर्टिकुलरली उस चीज के बारे में आपका कंसर्न ज्यादा रहेगा। अगर आप इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं तो आपका जो फैमिली है वो मैटर करेगा, और प्रॉपर्टी, लैंड, ये सब चीज जो होते हैं वो सब चीज परचेज करना, बेचना, ये सब चीज ज्यादा कंसर्न रहेगा। यहाँ पे आपका जो क्रिएटिविटी है और स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग, इस पे कंसर्न ज्यादा रहेगा, और आपके बच्चे जो हैं ये आपके कंसर्न ज्यादा होंगे, और यहाँ पे आपका हेल्थ अगेन, डिजीज जो है ये सब चीज ज्यादा कंसर्न होगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से रूल, ऑल द रूल्स जितना मैंने बताया उसके अनुसार आपको एनालिसिस करना है। तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, मैं समराइज कर देता हूँ क्विकली। फर्स्ट रूल कहता है कि जहां पे भी जुपिटर है, उस जुपिटर का ट्रांजिट जो स्कॉर्पियो से हो रहा है यहाँ पे, तो इस हाउस में, इस हाउस में, इस हाउस में, इस हाउस में कोई भी प्लैनेट्स हैं तो उसके ऊपर ट्रांजिट होने का रिजल्ट होगा। और ये क्या रिजल्ट है ये मैं आगे इस वीडियो में मैंने बताया है कि इसके ऊपर रिजल्ट का क्या मतलब है। एट द सेम टाइम अगर कोई प्लैनेट, सेकेंड रूल कहता है कि कोई प्लैनेट अगर इसको एस्पेक्ट कर रहा है इस हाउस को, तो उसका भी रिजल्ट देगा। थर्ड रूल कहता है कि आपके नेटल चार्ट में जहां पे जुपिटर है और वहां से स्कॉर्पियो कितने नंबर का साइन है, तो जैसे अगर किसी का कैंसर असेंडेंट का साइन और जुपिटर लिब्रा में है, तो जुपिटर से ये दूसरा हाउस है, ना कि आपको कैंसर से काउंट करना है, आपको जुपिटर से, लिब्रा से काउंट करना, ये दूसरा हाउस है। तो दूसरा हाउस, 6ठा हाउस, 8वां हाउस और 10वां हाउस, ये सारे हाउस जो है एक्टिवेटेड होंगे और इस इसका रिजल्ट देंगे। एट द सेम टाइम जुपिटर जिस जिस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है या जिसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो वो जिस जिस हाउस के लॉर्ड है उसको भी आपको मतलब जुपिटर जिस हाउस में आपका प्लेस है वहां से काउंट करके
चेक करना है कि वो कौन से हाउस है। आपको अपने एसेंडेंट से काउंट नहीं करना है, जुपिटर जहाँ पे वहां से काउंट करना है, तो उसके रिजल्ट भी वो देंगे। और लास्ट रूल कहता है कि आप जिस एज ग्रुप में है उस चीज से रिलेटेड इवेंट्स जो है होंगे। तो आइए देखते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट अलग अलग प्लैनेट्स का क्या मतलब है। जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर सन, अगर सन आपके स्कॉर्पियो में है, पाइसेस में है, टॉरस में है या फिर कैंसर में है, तो जुपिटर सन के ऊपर ट्रांजिट होने का रिजल्ट देगा। तो ये जुपिटर ट्रांजिट जो है एक साल में आपको नेम एंड फेम दिलाएगा। आपके फादर के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअली रिचुअल्स में भाग लेंगे। हो सकता है आपके घर में कोई स्पिरिचुअल फंक्शन हो, पूजा वगैरह या फिर कोई सेलिब्रेशन हो, और या आप जो है स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होंगे। जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर मून, अगर मून जो है आपके स्कॉर्पियो में है, पाइसेस में है, टॉरस में है या फिर कैंसर में है, तो जुपिटर मून पे ट्रांजिट होने का रिजल्ट देगा। जुपिटर अगर आपके मून के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है तो आपकी मॉम के लिए जो है, मदर के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप जो थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे थे पहले, वो इस साल थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, आप मेंटली थोड़ा पीसफुली फील करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जगह परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो, या तो लोकेशन में चेंजेस हो या कुछ परिवर्तन हो आपके लोकेशन में। अगर ऐसा नहीं होता है तो एटलीस्ट आप ट्रैवल जरूर करेंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है कोई धार्मिक स्थल जो है, ऑस्पिशियस प्लेस, मंदिर या कहीं दूर जा करके वो भी ट्रैवल करें। तो ट्रैवल आपकी मॉम के लिए अच्छा समय है, पीसफुल माइंड, ये सब जो है ये इस ट्रांजिट का मतलब। जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर मार्स, मार्स अगर आपके स्कॉर्पियो में, पाइसेस में, टॉरस में या फिर कैंसर में है, तो जुपिटर जो है मार्स पे ट्रांजिट होने का रिजल्ट देगा। तो ये समय थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, आप ड्राइविंग थोड़ा केयरफुली कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है एक्सीडेंट कराता है। लेकिन फिर भी राहु का प्रेजेंस भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु मंगल के ऊपर अगर दृष्टि डालता है तो एक्सीडेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी जुपिटर चूंकि मंगल को देख रहा है तो मंगल थोड़ा एक्टिवेटेड हो जाता है। इसके अलावा मंगल के ऊपर ट्रांजिट होने से जुपिटर जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप प्रॉपर्टी बाय या सेल करें, खरीदें या बेचें, या अगर नहीं तो कम से कम अपना घर तो ज़रूर आप रिनोवेट कराने की कोशिश करेंगे। घर के पीछे, ज़मीन के पीछे खर्चा थोड़ा सा आपका होगा। ये समय जो है आपके ब्रदर के लिए जो है बहुत ही अच्छा समय होने वाला है, और अगर गर्ल्स का चार्ट है तो उनके हस्बैंड के लिए भी ये समय अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, हो सकता है कि सर्जरी वगैरह भी हो। जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर मर्करी, मर्करी अगर आपके हॉरोस्कोप में स्कॉर्पियो में है, पाइसेस में है, टॉरस में है या कैंसर में है, तो जुपिटर मर्करी के ऊपर ट्रांजिट होने का रिजल्ट देगा। जुपिटर अगर मर्करी के ऊपर ट्रांजिट करता है तो आप जो है किसी रिलेटिव के फंक्शन को सेलिब्रेट करेंगे इस साल, या फिर आपके घर में ऐसा फंक्शन होगा जिसमें सारे रिलेटिव्स गैदर होंगे। आप नया स्किल कुछ इन्हांस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। थोड़ा सा स्किन डिजीज से भी हो सकता है परेशान हो, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर आप कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका कोर्ट केस नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा लीगल काम अच्छे से करें, क्योंकि ये कोर्ट केस में इन्वॉल्व भी कराता है। अगेन और सब ट्रांजिट देखना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जब भी जुपिटर मर्करी के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो ये थोड़ा आपका नेवर से जो है, और जो रिलेटिव्स हैं किथन किन जिसको कहते हैं, उनसे थोड़ा रिलेशन आपका अच्छा रहेगा। ओवरऑल आप अच्छा समय इन्जॉय करेंगे। अगर आपके किड्स हैं तो बच्चों के लिए भी ये समय अच्छा होने वाला है। जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर जुपिटर, जुपिटर अगर आपके स्कॉर्पियो में है, पाइसेस में है, टॉरस में है या फिर कैंसर में है, तो जुपिटर जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट होने का रिजल्ट देगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है,
क्योंकि इस समय आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, जो आपके सोसाइटी के जो पावरफुल लोग हैं, नोन लोग हैं, उनका थोड़ा सा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बना हुआ रहेगा। थोड़ा आपका नेम फेम भी इन्हांस होगा, थोड़ा आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसा फील होगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैरिज, बच्चे, ये सब जो इश्यूज बहुत दिन से पेंडिंग है, ये भी आपके होने के चांसेस हैं। एट द सेम टाइम आपके जो किड्स हैं, बच्चे हैं अगर आपके हैं, वो भी अच्छा समय एंजॉय करेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसको अच्छे से यूज़ कीजिए। जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर वेनस। अगर वेनस आपके हॉरोस्कोप में स्कॉर्पियो में है, पाइसेस में है, टॉरस में है या कैंसर में है, तो जुपिटर वेनस के ऊपर ट्रांजिट होने का रिजल्ट देगा। ये जो है, अगर आप यंग हैं तो आप किसी नए रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं, कोई लव्ड वन आपको मिल सकता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके वाइफ के लिए अच्छा समय है, और मनी वाइज मोनिट्री ये समय आपको गेन दिलाएगा, अच्छा करेगा। ऐसे आप थोड़ा हेल्थ को लेके केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जुपिटर जब वेनस के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो हेल्थ को इशू करता है, तो हेल्थ वाइज या फिर आप हेल्थ के पीछे पैसे खर्च करेंगे। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप व्हीकल प्लान कर रहे हैं परचेज करने का, तो आप व्हीकल खरीदेंगे, और अगर नहीं भी खरीदते हैं तो जो एग्जिस्टिंग व्हीकल है उसके पीछे, या फिर घर को डेकोरेट करने में जो है उसके पीछे आप पैसे खर्च करेंगे। बट ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर सैटर्न। अगर सैटर्न आपके स्कॉर्पियो में है, पाइसेस में है, टॉरस में है और कैंसर में है, तो जुपिटर जो है सैटर्न पे ट्रांजिट होने का रिजल्ट इस समय थोड़ा आपके लिए टफ होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड। ये आपको मेंटली प्रेशर क्रिएट करेगा, ये आपके डोमेस्टिक लाइफ में एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों जगह पे जो आपके क्लोज्ड वन है उनसे आपको इश्यूज क्रिएट कराएंगे। ये आपको वो लोग हमेशा, उनसे आपको हमेशा थोड़ा परेशानी होगा, थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा, वो आपको करना पड़ेगा। हाउएवर सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट होने से आपका करियर में जरूर थोड़ा सा इन्हांसमेंट होगा, लेकिन सिचुएशन जो है, रिजल्ट एंड रिजल्ट करियर वाइज अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रेशर और स्ट्रगल, अपने लोगों से प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट होगा। जुपिटर जब भी सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो थोड़ा बच्चों को भी इश्यूज क्रिएट होता है। सैटर्न जो है प्रोफेशन बताता है, इसलिए प्रोफेशन वाइज अच्छा है, बट सैटर्न सब चीज़ों में डिले कराता है, तो डिले आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। अगर राहु आपके स्कॉर्पियो में, पाइसेस में या फिर कैंसर में है, तो जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर राहु ये जो है कुछ नया बिगिनिंग कराता है लाइफ में, क्योंकि राहु बिगिनिंग को बताता है। तो जुपिटर जब भी राहु के ऊपर ट्रांजिट करता है तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जॉब में चले जाते हैं, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आपकी शादी हो जाती है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको बच्चे होते हैं। तो ये जो है लाइफ के नए इवेंट्स को ट्रिगर करता है, तो कुछ नया आपके साथ होने वाला है। थोड़ा सा पेट्स लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि राहु जो है पेट्स एनिमल को बताता है, तो कभी कभी उसके थ्रू प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कुत्ते का काटना या फिर स्नेक्स का बाइट, ये सब जो चीज़ें इश्यूज देखा जाता है जब जुपिटर राहु के ऊपर ट्रांजिट करता है। एट द सेम टाइम जो है थोड़ा सा राहु, जैसे कि निगेटिव प्लानेट है, तो थोड़ा सा ड्राई टाइप का सिचुएशन क्रिएट करता है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल कुछ तो नया लाइफ इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है। अगर केतु आपके स्कॉर्पियो में, पाइसेस में या कैंसर में है, तो ये समय जो है, जैसे राहु बिगिनिंग होता है तो केतु एंड ऑफ समथिंग होता है, तो ये समय जो है स्पिरिचुअली आपके लिए अच्छा है, थोड़ा सा आप अपलिफ्ट होंगे, आपको स्पिरिचुअल साइड थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा, लेकिन घर पे हो सकता है कि कोई क्लोज्ड वन का डेथ हो, या फिर आप कोई डेथ फंक्शन अटेंड करने जाए। एट द सेम टाइम केतु जो है आपको
क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी को बताता है कि तू तो हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल प्लेस भी ट्रेवल करें, या स्पिरिचुअल बाथ जो होता है, जैसे इंडिया में गंगा में बाथ नहाना अच्छा माना जाता है, होली रिवर बाथ इस तरह का, या फिर स्पिरिचुअल प्लेस को ट्रैवल करें। केतु चूंकि एंड को बताता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको इलेक्ट्रिसिटी से, थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको गहरे पानी में जाने से, क्योंकि ये सब थोड़ा सा केतु इश्यूज करता है। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस आपका ट्रांजिट जब जुपिटर अलग अलग ग्रहों के ऊपर जाता है तो। सो थैंक यू, ये था मेरा एनालिसिस जुपिटर ट्रांजिट का के ऊपर, अलग अलग ग्रहों पे यह क्या प्रभाव देता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ विजिट माय वेबसाइट www.astrobasic.com, आस्क क्वेश्चन सेक्शन, या फिर आप मुझे ईमेल कीजिए jayantkumar@astrobasic.com पे। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ बाय माई बुक न्यूमरोलॉजी एंड यू, और अगर आप अपने नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के बारे में तो प्लीज़ बाय माई रिपोर्ट न्यूरोलॉजी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।